अरे किस्मत बदली जा सकती है वक्त बदला जा सकता है पैसा 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 कौन मिला एक्सा कौन एक्सा कौन एक्सा क्या करें भाई काम धंधा सेट नहीं होता तो लड़के की जॉब लगती नहीं है और भैया बिजनेस में डामाडोल रहता है सिर्फ आधा ढक्कन विनेगर डालना है पूरे घर को क्लीन कर देना है पंद्रह दिन में उपायों का असर होता है आज मैं आपके साथ में कॉनवोलेक्सा वाले गुरुजी और गुरु मां लेके आया हूँ हमने कम्युनिटी के अंदर डाला था कि हमारे साथ में आ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो आज हम उन क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली इनसे जानेंगे कि क्या है उन क्वेश्चन के जवाब बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है और मेरे भी पर्सनल लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले तो पहले मैं माफी मांग रहा हूं अगर कुछ ज्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन आ जाए तो नहीं नहीं अगर ने, अगर आपको कुछ उल्टा सीधा लगेगा तो ऑडियंस के क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन नहीं है <laughs> ठीक है तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा प्रभु जी कि आपने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया और थैंक यू सो मच हमें लोगों से रूबरू करवाने के लिए और जरूर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को आज के पॉडकास्ट से बहुत ही फायदे होने वाले हैं ये मेरी गारंटी है तो सबसे पहला और बहुत सारे जो क्वेश्चंस आया है वो है पैसे के रिगार्डिंग जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लोगों को और बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है या फिर वो पैसा नहीं कमा पा रहे अपनी लाइफ के अंदर तो क्या कर सकते बिल्कुल बिल्कुल देखिए प्रभु जी मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका अवश्य ही और अवश्य ही सबसे पहला जो मेरा वर्ड है सबने अगर मनी 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 मनी, मनी, मनी पैसा चाहिए तो कॉनवेल एक्सा कॉनवेल एक्सा कॉन एक्सा कॉन एक्सा बोलिए कोई भी बोल सकता है कभी भी बोल सकता है कैसे भी बोल सकता है अंदर बोल सकता है बाहर बोल सकता है कॉनवेल एक्सा कॉनवल एक्सा कॉनवेल एक्सा बोलिए देखेंगे आप थोड़े ही समय में आपको पैसे की प्रॉब्लम जाती रहेगी और अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं अब जैसे आपने आप कोई भी काम करते हो कोई भी आपका बिजनेस है क्लाइंट्स हो गए ग्राहक हो गए नहीं आ रहे हैं आप परेशान हो गए हैं बहुत दुविधा में है भाई क्या करें अब इतना सारा खर्चा निकालना है सारे बिजनेस का अगर क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं तो आप सिर्फ बोलिए प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे प्रोसो प्यारे मैं कहता हूँ थोड़े ही दिनों में क्लाइंट्स आने लग जाएंगे आपकी बात बन जाएगी और काम धंधा इतना अच्छा चलने लगेगा कि आप आनंदित हो जाएंगे कितनी बार बोलना है इसको ये इक्यावन वाली बोलिए आप बोली है और देखिए चमत्कार को नमस्कार तो हम लोग पाँच साल पहले चार साढ़े चार साल पहले हम लोग जो है ना इटली गए थे तो इटली में हमारे एक मेंटर थे तो वहाँ पर जो है हमने सारी चीजें वहाँ पर पूरा एक कल्चर है इनका तो वहाँ से हमें ये सारी चीजें जो है हमें मिली तो जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो ये लोग वहाँ पर ना जैसे कि दुकानों पर बैठे हुए ग्राहक ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए लोग प्रोसो प्यारे बोलते थे जैसे कि हम लोग पर कुछ क्रिस्टल खरीदे हमने और कुछ सामान खरीदा तो हमारे जो है वह, ना वहाँ पर भी हमारे क्लाइंट ही थे तो क्लाइंट थे तो उन्होंने क्लाइंट से ऐसे बात चली तो उन्होंने कहा कहते कि मैंने कहा ये जब हम आए तो ये चैंटिंग क्या करने लग गई इटली की बात है ये तो उन्होंने कहा हमने कहा चैंटिंग क्या, क्या करने लग गए कह रहे कि गुरुवार जब भी इनके पास क्लाइंट के लिए ना ये लोग प्रोसो प्यारे बोलते हैं

करवाते हैं गुरु जी मेरे मालिक अवश्य ही और अवश्य ही कच्चा सूत अगर जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा है ये बहुत ही जबरदस्त आप आप भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं बिल्कुल बड़ी जबरदस्त रेमेडी है आप करिएगा फिर हमें बताइएगा और मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को भी मैं बताना चाहूंगा आपने कच्चा सूट लेना है कच्चा सूट क्या होता है सूट सूत राज वो लेना है उससे आपने केसर से पीला कर लेना है केसर के पानी में डिप केसर के पानी में डिप करके पीला कर लेना है उसे चाहे तो आप अपनी दीवार पे चिपका दीजिए कहीं पे भी या कहीं पे अपने ऑफिस में बांध दीजिए या गले में रख दीजिए मैं कहता हूँ इतना काम आएगा इतना आपका बिजनेस चल जाएगा आप मुझे याद करेंगे उसके बाद ये तो चमत्कारिक रूप से असर करता है और एक उपाय रेमेडी के तो बरमार है हमारे पास आपने क्या करना है एक मट्टी की कुछ लेनी है मट्टी की, म, मिट्टी की मिट्टी की मटकी मटकी ठीक है जी मिट्टी की मटकी लेनी है जो तो लाल वाली जो होती है पक्के वाली उसमें आपने दूध भरना है छोटी सी लेनी और फ्रीजर में रख दीजिए मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार है इस वाले उपाय में इस वाली रेमेडी में अब ये क्या है हम चंद्रवास स्थापित कर रहे हैं आपके घर में मैं साथ साथ में लॉजिक भी बताता रहूंगा आपको कि लॉजिक क्या है इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने मंगल और चंद्रमा को अपने घर में स्थापित कर लिया मंगल वो मिट्टी की जो आपने पक्की हुई कच्ची मिट्टी शुक्र है लेकिन पकी हुई मिट्टी जब हो जाती है वो लाल हो जाती है तो वो क्या हो जाती है मंगल और उसमें आपने दूध रख दिया वो हो गया चंद्रमा तो मंगल और चंद्रमा का जब मिलते हैं तो महा महा महालक्ष्मी योग बनता है उसको जब आप अपने फ्रीजर में जमा देते हैं तो आपने मंगल और चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में ले लिया ले ली लिया एक रिजल्ट ले लिया समझ रहे और चंद्रमा को स्थापित कर लिया और चमत्कार को नमस्कार होगा कब तक रखना है इसको ये पूरी जिंदगी रखिए कोई दिक्कत नहीं है जितनी वो पुरानी होती जाएगी उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा आनंद आपको आता चला जाएगा करके देखिए चमत्कार को नमस्कार कीजिए अब आपने ये बात पूछी अब आते हैं हम पत्रिका पे ये होगी रेमेडीज जो हर कोई कर सकता है पत्रिका में हमारा टेंथ हाउस हमारा कर्म स्थान होता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दसवा घर शनिदेव मेरे शनिदेव का होता है तो शनिदेव शनिदेव का है तो दसवें घर को जब भी आप आबाद करेंगे अपने वैसे ही आपका काम धंधा चलने लग जाएगा क्या करें भाई धंधा सेट नहीं होता लड़का लड़के की जॉब लगती नहीं है और भैया बिजनेस में डामा डोल रहता है बिजनेस करते हैं लाखों रुपए का घाटा हो जाता है और नौकरी लगते छूट जाती है लगती वैसे ही नहीं है कम बगत मारी बताइए कितनी दिक्कत है तो क्या करें भाई अब इसमें तो आपने कुछ नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ दस अंधों को खाना खिला दीजिए दस अंधों को खाना खिला दीजिए अब इसके पीछे क्या लॉजिक है सारे पूछेंगे जानना चाहेंगे नॉलेजेबल हो गए लोग मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग okay, नहीं अब हमने इसके पीछे क्या लॉजिक है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो शनि का रूप होते हैं ओके okay. जी मेरे मालिक जो ये शनि का रूप है ये ब्लाइंड पीपल शनि है इनको दिशाहीन होते ये इन्हें दिखता नहीं है शनि के पक्के मित्र पक्का शनि होते हैं ये आप जैसे ही इन्हें खाना खिलाएंगे आपको दिशा मिल जाएगी आपका दसवां घर खिल जाएगा क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से है ना होता है ना दसवां घर शनि का तो देख लीजिए आप शनि को प्रसन्न करते चमत्कार को नमस्कार आएगा शनि की बात चलिए चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ शनिदेव किसी की साढ़ साथी चल रही हो किसी की ढैया चल रही हो शनि कहीं खराब बैठा हो शनि सुख फल ना दे रहा हो अरे भाई इतना प्यारा उपाय बताने जा रहा हो इतनी प्यारी रेमेडी मेरे मालिक क्या करना है खड़ाऊ देखिए आपने लकड़ी की खड़ाऊ जो लोग पैरों में चप्पले चप्पले पहनते हैं ना तो सिर्फ आगे गोल गोल सा वो बना होता है और अच्छे से चरण पादुगा चरण पादुगा वैसे खड़ाऊ बोलते हैं हम जो हमारे अः सनातन धर्म में हिंदू धर्म में बोला जाता है उन्हें खड़ाऊ बोला जाता है आपका शनि खराब हो रहा है शनि खराब घर में है या शनि शनि खराब है या उसकी महादशा लगी है शनि देव की साढ़ साथी चल रही है आपको सात साल ही साढ़बा तो ढैया लगी है ढाई साल की आपने क्या करना है आपने खड़ पहननी है ये नॉर्मल इंसान भी कर सकता है शनि देव का शुभ पल पाने के लिए अब भैया आपको ब्लाइंड पीपल नहीं मिल रहे आप नहीं खिला पा रहे दस को प्रॉब्लम है पैसे नहीं है कुछ भी है एक खड़े पहनना शुरू कर दीजिए सस्ती ले आइए सस्ती भी मिल जाती है पचास सौ रुपये की भी मिल जाती है वो आधा घंटा रोज पहन लीजिए कहीं ऑफिस में बैठे पहन के बैठ जाइए आपका दसवां घर खिल गया जी दसवां घर मतलब आपका करियर सेट आपकी जॉब सेट आपका सब सेट आपकी साढ़े साथी ठीक आपकी ढैया ठीक आपका शनि कहीं ख़राब बैठा कहीं पर भी वो ठीक पत्रिका दिखाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों मैं मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका ने आज हमें मौका दिया है आप लोगों की सेवा करने का इनके माध्यम से अगर हम आपकी सेवा कर रहे हैं घर बैठे ही रे, रेमेडीज कर लेंगे ये फोकशाय स्विचवर्ड्स बोल लेंगे मैं कहता हूँ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में किसी और चीज़ की क्यों पैसे खर्चते हैं मत खर्ची ना लीजिए हमसे भी अपॉइंटमेंट करके देखिए सारे उपाय रेमेडीज करके देखिए आप कितनी सिंपल है नहीं है जी जी अगर ये जो, ये जो, दे जो, जो उपाय है सुबह सुबह पहन ले और घर में कितनी सारी एक्टिविटीज करते हैं ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा पहन के घर में घूम लीजिए या ऑफिस से आने के बाद आप घर में पहन के घूमते रहिए उससे जितना पहन के घूमेंगे उसको क्योंकि बाहर तो आप पहन के जा नहीं सकते तो घर में पहन के घूमते रहेंगे हो बिल्कुल, बिल्कुल, कि खराब तो होता है तो इंसान कैसा पता चलेगा कि आपका केतु खराब है ऐसे इंसान के नाभि से नीचे की परेशानियां शुरू हो जाए घुट्टों में टांगों में सर में दर्द होने लग जाए उसके गुप्त शत्रु खड़े हो जाए और साथ ही साथ में क्या होगा कि केतु खराब होगा तो आपको जो है कि आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे और वो दुश्मन ऐसे होंगे जो आपका हर बात पे और हर तीन साल के बाद आपके जो है कोई टांग पकड़ के कोई ग्रह आपको नीचे घेर देता है बार बार कि दो साल आपके बढ़िया गए तीसरा साल खराब दो साल बढ़िया गए तीसरा साल खराब तो समझ जाइए की डिस्टर्बेंस है तो आपने कुत्तों की सेवा तो करनी करनी है साथ ही साथ में आपने क्या है पैदल चलना शुरू कर देना है बहुत गुड जितना पैदल चलेंगे उतना केतु बैलेंस हो जाएगा और लोग होते हैं यहाँ से बाथरूम भी जाना होगा तो वो भी गाड़ी में जाएंगे ठीक है ना तो ये चीज़ है तो केतु को बैलेंस करने के लिए पैदल चलना शुरू कर दीजिए आपका केतु बैलेंस हो जाएगा और उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ऐसे शुगर को बैलेंस कर लीजिए साक्षी जी ने कितनी अच्छी बात बोली केतु को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैदल चल लेंगे कितना बढ़िया रहेगा अब अगर केतु को कंट्रोल करना है हो हो मेरा मालिक इतनी अच्छी रेमेडी आज आपको बताने जा रहा हूँ घर में बैठे बैठे कर लेंगे आप केतु ही छुप हुई शैतानियां करता है केतु ही छुपे हुए दुश्मन छुप हुए अंदरूनी बीमारियां जो डायग्नोस नहीं हो सकती अब देखिए आप केतु को रहस्यमय क्यों कहा गया है क्यों कहा गया है? क्योंकि केतु पताल का है है ना पताल की सारी शक्तियां केतु के अधीन है अब केतु रहस्यमयी है अब रहस्यमय बीमारियां जो होती थी जब हमारी एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब मेडिकल साइंस नहीं था तब आपका पेट नहीं चीरा जा सकता था चीरा जा सकता था नहीं ना आपके अंदर जो जैसे आजकल तो बड़े सारे सिस्टम हो गए हैं ब्लड टेस्ट ये टेस्ट वो, शरीर के अंदर से भी अल्ट्रासाउंड क्या क्या बन गया है उस समय ये चीजें नहीं थी तब केतु छुपी हुई रेस्ट में ही बीमारियां देता था तो अब लेकिन अब सारा पता चलने लग गया है तो केतु को इसलिए रहस्यमय कहते हैं क्योंकि वो छुपी हुई चीजें देता है छुपे हुए दुश्मन छुपी हुई बीमारियां अब हम केतु को कैसे ठीक करेंगे केतु को आप बृहस्पति से ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति क्या है केसर बृहस्पति क्या है हल्दी कानों के पीछे आपने देखिए मैंने तो कुंडल पहन रखे आपने भी कुछ पहन रखा है क्या कान चुदवा रखे आपने केतु को साथ रखा है केतु ना बच्चे के अंदर शैतानियां लेके आता है केतु का पीरियड कब होता है पेतू का पीरियड लाल किताब के हिसाब से 11 से 16 साल तक होता है वैसे 13 से 15 में ज्यादा है मतलब एक्टिव हो जाता ए, ए, है उसके, उसके बाद करके एज बच्चे की आपने देखा है इस साल के बच्चे पंद्रह में मतलब कैसे तरथली होती है इक्कीस साल तक उनको होती है ना आपने देखा होगा 13 साल से इक्कीस साल तक या 18 साल तक कैसे उन्हें जिज्ञासा होती है सारी चीजें जानने की उल्टी सीधी भी और सीधी सीधी भी मान गए मेरे मालिक है ना तो केतु क्या हो गया रहस्य में आप बच्चों के पीछे हल्दी की तिलक करना शुरू कर दिए कानों के किसी को दिखेगा भी नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है लड़का पुत्र संतान तो मतलब आपका केतु खराब है ठीक है आपने क्या करना है कुत्तों की सेवा करनी कुत्तों की सेवा कीजिए आप देखेंगे जैसे जैसे आप कुत्तों की सेवा करेंगे आपका पुत्र संतान ठीक हो जाएगा और केतु देव जिसके अच्छे नहीं होते हैं वो कभी ऐश नहीं कर सकता जीवन केतु देव ऐश के लिए ऐश का कारक है केतु देव जिसका केतु अच्छा नहीं उसने ऐश नहीं करी होगी जिंदगी में इतना भी कमा ले लेकिन ऐश नहीं कर पाएगा मतलब इतना करोड़ों रुपया है लेकिन वो फिर भी बसों में धक्के खा रहा है तो इसका मतलब केतु जो है वो डिस्टर्ब है तो ये है तो चंद्रमा ने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन केतु ने उसको ऐश करने की इजाजत नहीं दी है तो ये देखिए कि किस किस गर, मतलब लोगों के साथ में आपने देखा होगा कि आपके पास इतना पैसा है लेकिन दान दान करने करने वाला दिल नहीं है है ना तो वो दान करने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है ऐसी ऐश करवाने के लिए भी भगवान किसी किसी को चुनता है कई लोग कई माता पिता आपने देखे होंगे कमाते कमाते मर जाते हैं और बच्चे उनके ऐश करते हैं चौथे भाव में सूर्य होगा ना आपका तो ऐसा इंसान जो है क्या कहते हैं कि क्या करेगा कि वो रेशम का कीड़ा बन जाएगा कमाते रहेगा कमाते रहेगा कमाते रहेगा कमात रहे फटे हुए कपड़ों में वो अपना चप्पलों में फटे हुए कपड़ों में अपना गुजारा चला लेगा लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो उसका पैसे को यूज करेंगे उसको इतनी भी इजाजत नहीं होती कि वो आपने अपने ऊपर खर्चा कर ले बिल्कुल मतलब ये ग्रह है ये ग्रह है और ग्रह है जिस प्रकार से आप जब पैदा हुए हैं उस प्रकार से ग्रह अगर आपके जिस प्रकार के हैं अगर उनको आप समझ लो अपने नौ ग्रहों को नौ प्लैनेट्स को समझ लो उनके उपाय कर लो उनके तरीके से उनको जो है एक्टिवेट कर लो तो सारी जिंदगी वो काम करते हैं और वो आपके मतलब ये लगा लीजिए वो ग्रह आपके कंट्रोल में आके आपको जो है अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं अगर बशर्ते आप उनके समय समय पर उनको भोग देना शुरू कर दो ऐसा नहीं है कि हर ग्रह के उपाय करने हैं आपके कुछ पर्टिकुलरली आपके कुछ ग्रह हैं जिनके आपको उपाय करने होते हैं बाकी लोग तो आज शनि का कर रहे हैं आजकल बुध का कर रहे हैं वार के हिसाब से उपाय करने ले हैं, तो वो भी गलत होता है कि सोमवार को ये कर रहे हैं बुधवार को ये कर रहे हैं वीरवार को ये कर रहे हैं तो वो भी चीजें सही नहीं होती है तो किन किन प्लान का करना चाहिए उपाय वो आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा तो बेसिकली हमारे पास जो लाइन आते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी चीजों को बैलेंस कर देते हैं बिल्कुल बाकी उनकी म्यूनोलॉजी से भी एस्ट्रोलॉजी से भी वास्तु से भी जैमिनी से भी तो हम जो है ये सब चीजें बैलेंस कर देते हैं अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ कुंडली के अंदर एक जो है क्लाइंट थे उनका छठा भाव एक्टिवेट हुआ ठीक है छठा भाव एक्टिवेट हुआ उसकी बृहस्पति की महादशा लगी छठा भाव में बृहस्पति का कारक था बृहस्पति उसके छठे भाव का कारक था उसको बृहस्पति की महादशा लगी बृहस्पति की महादशा लगी उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया बहुत नामी गिरामी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया बृहस्पति की महादशा लग गई है आपके जीवन में चमत्कार होगा ठीक है आपके पास खूब पैसा आएगा क्योंकि बृहस्पति सौम्य प्लैनेट है वो आपके पास पैसा आएगा सब कुछ आएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो आएगा छठे भाव का कारक था बृहस्पति जैसी महादशा लगी रोग ऋण शत्रु उसने उठाने थे क्योंकि वो उसका कारक है रोग ऋण शत्रुओं को उठाना था उसने अब क्या हुआ उन्होंने क्या किया अपने घर बनाया कैमरे लगाए और कैमरे लगा लिया उन्होंने एक कैमरा लग गया उनका ई जोन में ई जोन जैसे ही में कैमरा लगा वैसे उनके घर में रेड पड़ गई किसकी ईडी ठीक है सोने चांदी का उनका काम था और बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला अरे बृहस्पति आ गया अब तो सोने चांदी की शोरूम और खुलने वाले हैं ये होने वाला है वो होने वाला है तो हमारे पास आए उन्होंने कहा ऐसा सभी बृहस्पति की माता शाह है आप क्या करना चाहिए तो संजीव जी ने कहा कि अभी आपको रुकना चाहिए क्योंकि ये अभी आपको नेगेटिव फैक्ट भी ने दे देगा उन्होंने कहा सत्तर एस्ट्रोलॉजरों के पास जाके आ चुका हूँ और सत्तर में से साठ ने यही बोला कि बृहस्पति बहुत अच्छा फल वाल देने वाला है संजीव जी ने कहा कि अब मेरी भी बात सुन लीजिए कि ये आपको अच्छा फल नहीं देगा ईडी की रेट पड़ी घर पे लगाया कैमरा ई जोन में उनके वहां पर हमारी वास्तु की विजिट हुई तो हमने उनको सबसे पहले उनका तीन दिन से लगातार फोन आ रहे मैडम आज ईडी वाला आ गया आज ये आ गया आज वो आ गए आज सेल टैक्स वाले आज आ गए तो वहां पर जाकर हमने देखा हमने कहा कि वहीं बैठे बैठे ऑफिस में ही पहले संजीव जी ने कहा आपने कुछ अपने घर में कुछ छेड़छाड़ करी है अभी कहा कैमरे लगाए तो फिर संजीव जी ने कहा कि आपको अपना ई जोन का कैमरा जो है ना वो उतारना है वही बैठे बैठे ई जोन का कैमरा उतारना के परसो लगवाए कैमरे ठीक है और वो ई जोन में भी लगा ई जोन का मतलब है चर्निंग चर्निंग किसी भी चीज की चर्निंग हो रही है अब आपने खोज भी ना ई एस जोन तो खोज लिया आपको ईडी वालों ने आप तो आ बैल मुझे मार वाला काम कर रहे हैं ना तो जो जो हमारे प्लेनेट जैसे जैसे एक्टिवेट होते हैं वैसे वैसे हमें फल मिल जाता है वो भगवान के पास में बड़ा बड़ी वाली दूरबीन पड़ी है हमारे पास छोटी 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 होती है ठीक है ना तो भगवान आपको खोज के निकाल लेगा वहीं पे आपको लोग जो है पहुंच जाएंगे तो हमारी जब दशाएं महादशाएं बदलती है ना तो हम वो चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये है तो इससे क्या होता है कि फिर हमारे साथ में दिक्कतें आनी शुरू होती है तो वहाँ पर भी छोटा सा कैमरे ही आपको जब हमने उतरवा दी उनके नीचे पार्किंग में उसी जोन में लगाए फर्स्ट फ्लोर पे लगाए सेकेंड फ्लोर पे लगाए थर्ड फ्लोर पे लगाए एक ही सारी जगह पे तो कितना उनको नुकसान हुआ तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हम उसको ठीक कर सकते ठीक कर है, सकते हैं बिल्कुल 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 तो ये वास्तु का इफेक्ट होता है ऐसा नहीं कि बस तोड़ फोड़ ही होगी और वो होगा अब जैसे हम आपके यहाँ पर आए ठीक है आपने बोला कि मुझे बहुत सारे से पहले लोग आए थे एस्ट्रोलॉजर आए कोई वास्तु वाले आए उन्होंने बोला कि ये आपने पीछे कलर करवा लिया ये करवा लिया वो करवा लिया या आपके यहाँ पर कैसी एनर्जी है लेकिन जो एनर्जी है जो देवता आपके यहाँ पर जागृत है वो आपको दे रहा है वो एक पॉजिटिव देवता जागृत है ठीक है क्योंकि हमारे वास्तु में जो है ना आठ देवता होते हैं जो हमें देते हैं और बाकी के जो देवता वो बाकी के भी देखो वास्तु पुरुष मंडल है तो उसमें कई देवता है कई राक्षस है कुछ है कोई असुर है शक्तियां हैं तो आपने कौन सी शक्ति आपकी एक्टिवेट है हमें तो सूंघ के पता चल जाती है कि आपका ये वाला देवता जागृत तभी मैंने आपको पता ना गलती से भी वास्तु मत छेड़ना हाँ जो बाकी छोटी छोटी चेंजेस है वो हमने आपको बताया वो आप कर सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ी पॉजिटिविटी वाली एक वास्तु जो है ना एनर्जी है तो वो हमारी भूमि की एनर्जी भी होती है ये हमारी भूमि की भी एक, एक प्लॉट की एक एनर्जी होती है तो वो एनर्जी की जो वो है उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई है तो आपको पे फालतू भी नहीं करवाना होता सब कुछ जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो ये चीजें होती है आजकल बच्चे कितने शैतान होते जा रहे हैं मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बड़े बच्चों की भी बात कर रहा हूँ छोटे बड़े दोनों बच्चे और इवन बड़े से जो बड़े बच्चे जैसे काफी बड़े लोग भी कई आपने देखा होगा नई बात मानते आजकल बड़ा कलेश करते हैं बड़ी जिद करते हैं बच्चे खासकर जो बड़े हो गए हैं इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस साल के और चाहे छोटे भी ले लीजिए पंद्रह सोलह सत्रह साल आजकल सारे अकड़ जाते हैं है ना मेरे मालिक सारे अकड़ने लग गए हैं सारे देखा है ना आपने कैसे अपने माँ बाप से अकड़ने लग जाते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं पहले हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें उन्हें शांत कैसे करें हारमोन डेवलप हो रहे हैं उनके ठीक है अब क्या करें उनकी फोटो ले आप फोटो पे नाम लिख के वो फ्रिज की साइड पे लगा, भी? भी लगा दीजिए पीछे मत लगा दीजिएगा बिल्कुल मशीन के तर, की तरफ कंप्रेसर की तरफ मत लगवा दीजिएगा साइड में फ्रंट में तो बच्चा देख लेगा मेरी फोटो क्यों लगा दी मम्मी ने हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला है इस रेमेडी का कि गुरुजी फोटो लगाते ही एक दो हफ्ते में बच्चा शांत होना शुरू हो गया पहले हमने बच्चे को शांत करना है बच्चे शांत कहाँ होते हैं आजकल बात शांत हो गए तभी तो बात सुनेंगे तभी तो बात मानेंगे फिर उसके बाद क्या करें आप उस बच्चे को जब वो बच्चा शांत हो जाए उसे क्या कीजिए अगर बच्चे को पढ़ाई में होशियार करना है आपने इंटेलिजेंट करना है उसका एकाग्र कर करना है बिल्कुल आपने मतलब आजकल कंसंट्रेशन लेवल ही खत्म हो गया वीडियो गेम मोबाइल इन चीज़ों ने क्या किया बच्चों के साथ एकाग्रता खो दी बच्चों ने है वीडियो गेम आपने देखा बच्चे कहीं ऐसे 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 कुछ, कुछ 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 ऐसे क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल वो वीडियो गेम खेल के मोबाइल पे बाकी गेम्स पे आपने देखा नहीं है देखा है तो हमने क्या करना है हमने एक तो फ्रिज पे फोटो दूसरा उसे दूध और हल्दी से नहलाना है बच्चे को दूध और हल्दी से उसका स्नान करवाना शुरू करना है आप लोगों ने क्या सबने कर ले तो कोई बुराई नहीं है लेकिन पढ़ते हुए बच्चे को पानी में पहले दूध और हल्दी डालनी है फिर उसके बाद पानी डालना है मैं कहता हूँ प्रभु जी आप चमत्कार को नमस्कार कहेंगे आप ये दो तीन उपाय बच्चे के साथ करके देखिए बच्चे में ड्रोमैटिकली चेंज आएगा ये दूध और हल्दी वाला तो कोई भी कर सकता है जी इससे तो आपका एकाग्रता बढ़ेगी आपका चंद्रमा अच्छा होगा पैसा 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 कौन वेक्सा कौन वेक्सा कौन वेक्सा ठीक है ना जी और बृहस्पति बरकत पैसा काम धंधा देखिए बड़े भी कर सकते हैं बच्चे भी कर सकते हैं और बड़ा ही प्यारा छोटा सा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा दूध लीजिए पीपल के पेड़ पर चढ़ा दीजिए पीपल क्या है बृहस्पति मानते हैं पीपल है बृहस्पति और बृहस्पति एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है रात को भी देता है पक्का रूप बृहस्पति का तभी पहले वाले जमानों में लोग कहते थे भैया बृहस्पति है इसको काटना मत मतलब पीपल के पेड़ पे भूत प्रेटर अब पहले वाले जमाने में लोगों को समझाते कि ये भाई ये दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है इसे मत काटना तो लोग कहते हैं पागल कहीं का कैसी कैसी बातें करता है बेचारे हमारे जो साधु संत थे वो अविष्कारी थे नॉलेजेबल थे तो उन्हें बोलना पड़ा भूत प्रेत क्या करे ना <laughs> तो वहां से शुरू हो गया भूत प्रेत भूत प्रेत और अभी तक दुनिया बेवकूफ बना रही है भूत प्रेत भूत प्रेत तो ये साइंस थी साइंटिस्ट है हमारे ज़माने में लोग मतलब पुराने ज़माने में तो दूध जाके अगर आपको अपना काम काज बढ़ाना है बच्चे को पढ़ाना है बच्चे का मन एकाग्र करना है बड़े लोगों को अगर पैसा कमाना है और अपने काम काज का विस्तार करना है तो जाके डालिए क्या दूध पीपल के पेड़ पे जब वो पेड़ पे जाके नीचे बह के आए दूध मिट्टी में मिलाइए पहले पीपल को देव को तिलक कीजिए फिर अपने माथे पे कीजिए एक हफ्ते करके देख लीजिए मैं कहता हूँ आपका मन शांत काम काज के मजे मजे पैसे बल्ले बल्ले और बच्चों को करवा दिया तो बच्चे शांत पढ़ाई में मन एक घंटा पढ़ेंगे सौ घंटे की पढ़ाई हो जाएगी और संजीव जी, जी पितृ दोष भी तो शांत होगा इससे बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी वो कितना शांत होगा क्योंकि पीपल का पेड़ पर पितरों का वास होता है और हर शनिवार को शुक्रवार की रात को माँ लक्ष्मी आती है पीपल के पेड़ पे बिल्कुल बिल्कुल तो कहते हैं कि पीपल के पेड़ पे के दिया किस लिए लगाने का विधान होता है क्योंकि मह लक्ष्मी आती है और शनिवार तक माँ रहती है वहाँ पर पीपल के पेड़ पर पे। तो इसीलिए पीपल के पेड़ पर जो है कहते हैं कि ये चीजें करने से बहुत फर्क पड़ता है और आजकल तो मेरे मालिक मेरे प्रभु पितृदोष के नाम पे लाखों हजारों रुपए की जो है आपको पता ही क्या चल रहा है पित्र दोष है उपाय बनेगा पित्र दोष है नाइनटी परसेंट पित्र दोष होता है अच्छा। होता ही होता है होता ही है। तो अब लोगों ने पित्र दोष को हुआ बना लिया पित्र दोष का एक बड़ा छोटा सा उपाय बताऊंगा मेरे मालिक आपको आज मेरे प्यारे मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग भी सुने आपने मात्र क्या करना खाना खाते हुए आपने अपनी खाने में से एक गराई थोड़ी सी दाल थोड़ा सा जो भी चीज़ खा रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी लीजिए और अपने साइड पे पीछे रख दीजिए पीछे रखना है और ऐसे ही साइड से रखना है ऐसे सा, ऐसे घूमना नहीं है मतलब मैं तो आपको बता रहा हूँ ऐसे खा रहे हैं खा, खाना शुरू जैसे ही करेंगे आपने उसमें से थोड़ा थोड़ा दाल सब्जी चावल रोटी पे रख दीजिए जैसे मर्जी वो अपने साइड में रख देना है ये मेरे पितरों का ना नाम का है शांति 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 शांति, शांति, ओम ओम ही नहीं। अगर, अगर, आप पैसा नहीं सकते, अगर आप बड़े बड़े आडम्बर नहीं कर सकते हैं जो कि बना दिए गए हैं इंसानों के द्वारा अगर आप मेरे मालिक ये नहीं कर सकते हैं तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए आपके पितृ मैं कहता हूँ हजारों लाखों रुपए खर्चने से भी नहीं हो पाएगा जो काम वो मात्र एक गराई आपके खाने में से निकली हुई कर देगी मेरे पास क्वेश्चन आया है।, जी। जो डाइनिंग पे खाते है वो पीछे कैसे रखेंगे? वो भी रख दे साइड मेरे मालिक अगर साइड पे नहीं रख सकते तो साइड थोड़ा थाली की साइड पे रख दे क्या करें जो डाइनिंग पे खा रहे हैं वो खाने की डाइनिंग टेबल पे साइड पे रख दे आपने निकालना है अपने पितरों के नाम का और पहले निकालना है बाद में झूठा करके नहीं निकालना है ये तो सबको पता है ये बताने वाली बात ही नहीं कितना छोटा सा उपाय है बताइए एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे बच्चों के रेमेडीज तो इतनी है मेरे मालिक बताते चले जाएंगे आपको ये हमारी गारंटी है अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा भाई है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना ही करना है भाई एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है भाई और जो छोटे बच्चे बेचारे उनके भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ फिर उसके बाद के एग्ज़ाम्स वग़ैरह आ जाते हैं पढ़ाई बहुत करता हूँ नंबर नहीं आते हैं क्या करूँ मम्मी कहते हैं ना बच्चे ऐसे मम्मी भी कहती है पढ़ता तो ये चार चार घंटे था नंबर इसके आए नहीं उतरे ये क्या हो गया बच्चा जाके भूल जाता है वहाँ पे पेपर में और इंटरव्यू देने जाता है सब कुछ भूल जाता है घबरा जाता है अरे भाई ये तो बड़ी समस्या है इतना छोटा सा वर्ड दूंगा आज मैं एस 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 बच्चों ने बड़ों ने सब ने इंटरव्यू है पेपर है एग्जाम है कुछ भी है एस 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 मैं कहता हूं कैसा भी पेपर होगा कैसा भी इंटरव्यू होगा आपका क्लियर है अब ये नहीं कि पढ़ाई ना करे बच्चे ये पॉसिबल नहीं है yes, भाई पढ़ना yes, yes, yes. पड़ेगा अगर जहाँ पचास नंबर आ रहे हैं वो सत्तर नंबर आएंगे और जो बच्चे भूल जाते हैं या इंटरव्यू में आप कुछ भूल जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भूल जाते हैं वो बोले एस 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 एस, एस पाँच दस मिनट सुबह पाँच दस मिनट शाम को थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा बोलते रहिए देखिए चमत्कार को नमस्कार मान गए इक्का ये देखिए आप नंबर वन बन जाएंगे नंबर वन समझ गया आप हमारी बात गया। ये जो वर्ड्स होते हैं ये मेरे मालिक मेरे प्रभु ये सारे कनेक्ट होते हैं एक नंबर से मतलब आपको टॉप पे लेके जाना है अब भाई हमने पढ़ा भी दिया पेपर भी क्लियर करवा दिए इंटरव्यू भी करवा दिए भाई नौकरी भी लग गई अब भाई आती है शादी की बारी ये भी क्वेश्चन थे है ना जी अब अब शादी की बारी जब आती है तो सबसे पहले आपने कौन सा घर देखना है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सेवंथ हाउस मेरे मालिक सेवंथ हाउस से हमारा हमारी बीवी और पति के बारे में मतलब पत्नी और पति के बारे में पता चलता है और सेवंथ हाउस जो होता है शुक्र और बुद्ध की मलकियत है, है। शुक्र कैसे ठीक करेंगे अब लो जी आ गया फिर से वही क्वेश्चन अब फिर रेमेडी ये हर कोई कर सकता है जो हम रेमेडी बताते हैं गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है बीवी नहीं मिल रही है शादी नहीं हो रही है तो क्या करें ऐसा काम की मजा आ गया दही से स्नान कीजिए दही से स्नान कीजिए आपका शुक्र अगर कहीं पे भी है खराब हो रहा है आप परेशान है गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही बीवी नहीं मिल रही लग्जरी लक्ष्मी माता भाई माता रानी लक्ष्मी माता जिसके बगैर किसी का चलता ही नहीं है आप लक्ष्मी माता को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं शुक्र कहीं पे भी आपका खराब हो रहा है शुक्र के तू शुक्र राहु कैसा भी शुक्र अष्टम शुक्र नवम शुक्र कैसा भी बेचारा शुक्र पीड़ित हो रहा है सूर्य शुक्र मैं कह रहा हूँ शुक्र की दया होड़ी पड़ी है आप मात्र और मात्र दही से नहाना शुरू कर दीजिए ओ मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार आप देखेंगे और ये जो मैंने सबसे पहले आज से कई सालों पहले अंगूठे में चांदी के छल्ले बोले थे आज मैं सबको देखता हूं पहने हुए ये मैंने सात साल पहले ये उपाय बताया था बताना शुरू किया था फिर सबने बताना शुरू कर दिया सबके हाथों में आप देखेंगे ये अंगूठों में चांदी के छल्ले और ये चांदी के छल्ले पहनिए मैं कहता हूं शुक्र आपका इतना बली हो जाएगा ये नहीं के एक दिन पहने ये आपको कुछ टाइम पहनना पड़ते हैं अब मुझे ही हो गए दस बारह साल पहने हुए इनको और आज मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी अब जैसे कॉनवेल एक्सा है कॉनवेल एक्सा हर किसी की जुबान पे है हर एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट बता रहा है कॉर्नवेल एक्सा पे अब पहले कहा थे सारे पहले समझ सोच कहा थे, थे, थे कॉनवेल एक्सा जी हमारे तो आजकल आज सारे मैथ अच्छी बात है सबके पास ये कॉनवेल एक्सा का वर्ड पहुंचे पुरोसो प्यारे का वर्ड पहुंचे मैं तो ये कहता हूँ सबको फायदा हो सबको मजे आए सबकी जिंदगी में हरियाली हरियाली हो मैं तो यही चाहता हूँ है ना पैसा होगा सब कुछ होगा फिर। ये है से स्नान कितना दिन तक करना है मतलब इतना तो करना ही है अब गायको संजीव जी आप बहुत बढ़िया वो भी बताया बिल्कुल बिल्कुल इतने लोगों की शादियां हुई है इतने लोगों की शादियां हुई है और पुण्य का पुण्य और शादियों की शादी और शुक्र को अच्छा करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं था और एक चाय की प्याली वाह 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 चाची इतने अच्छे अच्छे उपाय आज आपने याद दिला दिए दिल प्रसन्न हो गया चाय की प्याली के लिए तो लोग अपनी बीवियों को इतनी सुबह सुबह उठ के चाय की प्याली बुला लेते हैं उनके शुक्र हमेशा इतने पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं अब वाइफ अपने हस्बैंड को अगर आपने शुक्र को अच्छा करना है बहुत सुंदर बहुत जल्दी रिजल्ट देखना है कुछ हफ्तों में या कुछ ही दिनों में तो आप क्या कीजिए जिमिकन गाजर और आलू गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए मैं कहता हूँ कितने से खराब से खराब आपका शुक्र होगा इतना अच्छा रिजल्ट देगा माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी पत्नी भी मिलेगी पत्नी अच्छी भी मिलेगी और पत्नी जो खराब जो बेचारे आप पस गए वो भी अच्छी हो जाएगी और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और उनके बड़ा कलेस चलता है और भाई लक्ष्मी माता की असीम कृपा सबको चाहिए तो ये भी करके देखिए आप रोज एक प्याली चाय मीठी वाली अगर शुगर ना हो बीवी को तो पिला के देखिए मैं कहता हूँ शुक्रदेव आपका इतना अच्छा हो जाएगा वाह वाह आनंद वा। आनंद 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 मैं कह रहा हूँ इतना आनंद आएगा मज़ा आ जाएगा मैं कहता हूँ आपको और अब मैंने कहा था काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसके हिसाब से शुक्र के तो हमने बड़े सारे उपाय बता दिए भाई हाउस एक्टिव होगा तो डेली इनकम आएगी मजा आएगा हाँ हा नहीं जी अब बुद्ध को कैसे अच्छा करें? बड़ा सिंपल सा उपाय आप इतर लीजिए इतर लीजिए चंदन का हाँ हाँ वो अपनी नाक पे लगा लीजिए रोज नाक हमारी क्या है बुद्ध और इत्र क्या है शुक्र हाय हाय और बुध शुक्र मिलकर क्या बनाते हैं लक्ष्मी नारायण जो तो भैया आनंद आनंद परमानंद सेवन साउथ आपका खिल जाएगा माँ लक्ष्मी की कृपा बुध अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा बिजनेस ही बिजनेस बिजनेस ही बिजनेस बिजनेस ही बिजनेस बिजनस। तो देखिए कितना जुड़ी हुई है सारी चीजें कपड़े वाले जो है जिनके जिनके काम कपड़ो के हैं जिनके काम डिजिटल मार्केटिंग के हैं जिनके बात बात करने वाले काम है या फिर इनके जो इंटरप्रनर हैं और जो बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया से रिलेटेड है और जो काम ढूंढ रहे हैं कुछ वो सब वो सब लोग भी जो है ना इसको कर सकते हैं क्योंकि शुक्र और बुध से रिलेटेड जितने बिजनेस हैं वो सब पे ये उपाय चलेगा और लेकिन आप वैसे भी कोई भी उपाय कर सकता है जिसको अपना शुक्र को बुध को एक्टिवेट करना क्योंकि बुध बिजनेस है बुध आपकी बुद्धि है बुध आपका विजडम है बुध आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी ये अच्छा आपके चेहरे की चमक जो है वो भी आपका बुध और शुक्र ही है अच्छी पत्नी चाहिए तो सुच वर्ड भी चाहिए ये भी दे देते हैं लगे आ तो अगर आपको बहुत सुंदर सुशील पति पत्नी चाहिए जो आपको समझे आपको प्यार करे आपको फूलों में रखे ऐसे पति पत्नी चाहिए अगर पत्नी चाहिए तो मधुरम भार्या मधुरम भार्या मधुरम भार्या मधुरम भार्या, मदर्म भार्या मदर्म भार अच्छी और सुशील पत्नी के लिए और अगर चाहिए आपको अच्छा और सुशील क्या पति तो मधुरम आर्या मधुरम आर्या मधुरम आर्या मधुरम आर्या मधुरम आर्या मधुरम आर्या अच्छा सुशील सुंदर टिकाऊ पति के लिए <laughs> अब अगर हमसे पहले लोग मिलने थे वो बेचारे जिनके तलाक के केस चल रहे हैं।

जो मैंने रेमेडीज अभी तक आपको शुक्र की बताई है वो लोग वो भी कर सकते हैं कि भाई बड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं बड़ी टेंशन है क्योंकि सेवन्थ हाउस पति पत्नी का है ये तो पहले हम पति पत्नी के डिवोर्स और झगड़े पे आएंगे फिर हम बाकी भी तो झगड़े हैं बेचारे कोर्ट केस है उनकी तरफ कौन देखेगा वो भी तो देखने हैं वो भी बताएंगे हम सारा अब जो रेमेडीज शुक्र की बताई है वो जो जिनकी शादियाँ हो चुकी है या नहीं हो चुकी है वो भी कर सकते हैं और शादी के बाद जिनके झगड़े चल रहे हैं वो भी कर सकते हैं उनको जो रेमेडीज शुक्र की बताई हैं रात को जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है रात को हम बिस्तर होने से हम बिस्तर का मतलब फिजिकल रिलेशन खत्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे जब आपकी लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कितने भी पैसे की कमी हो जाए तुम्हारी दिन में कितनी भी लड़ाई हो जाए रात को एक होना मत भूलना ये अपनी बेटियों को समझाते थे बड़े बुजुर्ग लोग और ये मेरी बात पे मेरे प्यारे बुजुर्ग मानेंगे कि शारीरिक संबंध शादी में बहुत जरूरी है ठीक है आजकल लड़कियां क्या करती है लड़ाई हुई तूने मुझे ये नहीं दिलाया तूने मम्मी की बात मानी ये बात होगी वो बात होगी चल जा मई सो तो क्या होता है उससे बढ़ जाती हैं दूरियां जी साक्षी जी बिल्कुल 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 तो रात को अगर पत्नी नहीं मान रही है तो पलंग पे आप गुलाब जल की दो चार बूंदे छिड़कते रहिए रेगुलर अगर आपके लड़ाई झगड़े चलते हैं बेडरूम रिलेशन नहीं है बेडरूम में आती किच-किच किच-किच शुरू हो जाती है आप गुलाब जल छिड़कना शुरू कर दीजिए ज्यादा नहीं कहीं ऐसा लगे बारिश हो गई गुलाब जल की थोड़ा बहुत ठीक है ये छिड़किया मैं कह रहा हूं आपके रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाएंगे ग्रंटेड कोर्ट केस में जब भी आपका कोर्ट केस पहुंच जाता है तो वहां पे शनि का अधिकार शुरू हो जाता है कई लोग कहते हैं जज अच्छा नहीं है कई लोग कहते हैं वकील अच्छा नहीं है बोलते हैं ना इनसे पता नहीं क्या हो रहा है वकील उनसे मिल गया है और हमारे साथ बड़ा धोखा कर रहा है वकील तो ये किन के साथ होगा जिनका शनि अच्छा नहीं है नहीं होगा या अच्छा नहीं चल रहा है बेचारा कुछ गोचर से या महादशा से या प्रतंत्र अंतर सूक्ष्म दशा जैसे चलती हैं तो उसमें कई शत्रु ग्रह के साथ आ गया है है ना ढैया चल रही है साढ़े साथ ही चल रही है अब शनि को मैंने शुरू में बोला था कैसे प्रसन्न करना है खड़ाऊ पहननी है ठीक है जी पहला ये ये उपाय दूसरा शनि को प्रसन्न करने के लिए दस अंधो को मैं पहले आपको बोल चुका हूं विजन रास्ता दिखने लग जाएगा आपको और शनि को अच्छा करने के लिए मंगल की भी मदद लेनी पड़ती है क्या करना है कोर्ट केस के दौरान आपने लेने हैं दस छुआरे छुआरे रिप्रेजेंट करते हैं किसको मंगल को उन्हें लाल कपड़े में बांधना है और जज के आगे खड़ा हो जाना है जेब में डाल के लेके कैसा भी केस है आपका मेरे मालिक मेरे प्रभु मेरे देवता मेरे आका कैसा भी केस है आपका आप ले जाइए एक बारी और वहां जाके खड़े हो जाइए शनि क्या है जज, वकील क्या है राहु केतु ठीक है और मंगल सबकी खींच देता है पकड़ के आपने जेब में डाला सब आपके कंट्रोल में आ गए उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे हर तारीख पे आपकी बल्ले बल्ले सारे थल्ले-थल्ले। <laughs> <laughs> और और चांदी का बुरादा आपने सुना है जैसे अंगूठी बनाते हुए चांदी के सामान बनाते हैं घिसते हैं उसको Osionfish. तो चांदी का बुरादा निकलता है उस टाइम वो चांदी का बुरादा ले लीजिए ये जो उपाय है ये आप कोर्ट में छिड़किए, क्योंकि कोर्ट की भी वो मीटिंग है आप किसी भी मीटिंग में छिड़क दीजिए ये तो आपके काम कोई ना बन रहे हो आप मीटिंग में जाते हो मीटिंग आपके पक्ष में ना होती हो मीटिंग पक्ष में होना बहुत जरूरी है आप किसी भी काम में चले जाइए आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए मीटिंग जरूर होती है मीटिंग में ही इनपुट आउटपुट निकलता है आपके आने वाले समय का मीटिंग खराब सब खराब बिजनेस खराब अगर आपकी मीटिंग सही नहीं जा रही है आप चांदी का बुरादा लीजिए और छिड़क दीजिए मैं कहता हूँ गारंटी दे रहा हूँ सौ में से अस्सी नब्बे मीटिंग आपके फेवर में जाएगी करके जरूर देखिए चांदी का बुरादा डाल के आप देखिए एक स्विचवर्ड भी बोल सकते हैं अर्मेंटिकोज बिल्कुल अर्मेंटिकोस अरमेंटिकोस अरमेंटिकोस अरमेंटिकोज ये आप बोलिए इससे भी कोर्ट केस आपके सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे अगर आप बेगुनाह हैं तो आप जो है बचकर ही बाहर आएंगे जिनको जॉब नहीं मिल रही है वो एक जो है अपने लेफ्ट हैंड पे सेवन जीरो फाइव सिक्स टू एट सेवन आपने ग्रीन कलर के स्केच पेन से या ब्लू कलर के स्केच पेन से अपनी लेफ्ट वाली बॉडी पे कहीं पर भी आपने लिखना है तो इससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो जाएगी जॉब जहां पर भी आप लेने जा रहे हो वहां पर लिख के चली जाइए या इसको चैंट भी करते रहिए सेवन जीरो फाइव फाइव सिक्स टू एट सेवन सेवन जीरो फाइव फाइव सिक्स टू एट सेवन इसको चैंट कीजिए आपकी जॉब मिलने में आपको बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाएगी और अपने घर के नॉर्थ में एक राउंड वॉच राउंड वॉच वो भी वाइट कलर की ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लगा दीजिए उससे भी आपको वॉच आ जाएगी और जितने भी लोग जैसे ना मैं छोटा सा आपको एक एक और भी देना चाहती हूँ जैसे आपने घड़ी पहन रखी है अभी घड़ी जो है डिजिटल पहन रखी है आपने ठीक है तो अगर आपको अगर कई लोग होते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं ठीक है एक्शन ओरिएंटेड होते हैं अगर वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है सपोज हर कोई चाहता है कि मैं काम मैं सोचूं और वो एक्शन हो जाए कन्वर्ट हो जाए मेरा काम वो एक्शन कन्वर्ट हो जाए अगर आप एक्शन काम करना चाहते हैं कोई अपने जीवन में जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं तो आपको घड़ी जो है गोल घड़ी गोल्डन कलर की और जिसमें सिल्वर कलर भी हो और उसके डायल में ट्वेल्व लिखा हो और सिक्स जो है लिखा हो डायल के अंदर जो ट्वेल्थ सिक्स लिखा हो नंबरिंग से तो वो आप अगर, अगर अपने राइट right, हैंड uh, में पहनते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे आप जो सोचेंगे वो इम्प्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा अगर आप मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फीमेल चाहते हैं आपका फीमेल्स का काम है जो लोग भी मीडिया से रिलेटेड है जो लोग भी सपोज uh, कीजिए कि कहते हैं कि वुमेन से रिलेटेड उनका काम है या फैशन शोज करते हैं या बॉलीवुड में है हॉलीवुड में है और औरतों के साथ में घिरे रहते हैं या फीमेल्स के साथ में वो घिरे रहना चाहते हैं तो उनको घड़ी जो है अपने लेफ्ट लेफ्ट हैंड में पहननी चाहिए ये बात आपने आज तक आपको किसी ने बताई होगी मैं तो लेफ्ट में पहनता तो हूँ राइट में खड़ा है हाँ तो लेफ्ट में पहनेंगे तो आप मोर इनक्लाइन टूवर्ड्स फीमेल और आप लेफ्ट लेफ्ट पहनेंगे तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे आपने सोचा और आपने एक्शन ले लिया सोचा और एक्शन ले लिया क्योंकि घड़ी का भी हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है अगर आप छोटी छोटी सी डायल वाली घड़ियाँ पहनती है जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो कहते हैं ना कि हारमोन डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे हमारे प्रॉब्लम है हार्मोंस डिस्टर्ब है पी की प्रॉब्लम है आप देखेंगे उनकी घड़ियाँ बड़ी छोटी, छोटी छोटी डायल वाली होती हैं अगर बीमारी की बात आ गई है और हम आपको स्विच वर्ड ना दें ये तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों के साथ बड़ा धोखा होगा ऐसा क्या वर्ड हम डेली रूटीन में बोलें कि हर बीमारी की जो एक मुसीबत हमारे ऊपर से उतर जाए कोई तो एक ऐसा वर्ड हमें मिल जाए घर में बैठे बैठे हम उसे बोल लें कोई तो एक ऐसा वर्ड मिल जाए जो हमें तकलीफ़ों से शारीरिक कष्टों से दूर कर दे अश्वीना मात्र ये अश्वीना अश्विना 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 बोलिए मैं कहता हूँ कैसी भी बीमारी होगी बुखार खांसी जुकाम बद दर्द कैंसर अल्सर टी मैं कहता हूं बड़े से बड़ी बीमारी आप बोलिए एक बार ये अश्विना 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 हर बीमारी से आपको निजात मिलेगा ये मेरी गारंटी है आजकल तो घुटनों की समस्या मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्ग क्या मेरे जवान भाई बहनों को भी हो रही है घुटनों की समस्या घुटने इतने रह रहे हैं लोगों के इतने रह रहे हैं कमर में घुटनों में इतनी दर्द रह रही है बड़े परेशान वज़न बढ़ते जा रहे हैं परेशानी बढ़ती जा रही है आपने क्या करना है फाइव एट फिफ्टी एट ग्रीन पेन से लिखवा लीजिए अपने घुटनों पे मैं कह रहा हूं कैसा भी घुटने का दर्द होगा जिस मर्ज व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा उठ जाएगा फिफ्टी एट लिखिए ग्रीन पेन से और कितने टाइम तक लिखे रहने देना रोज लिख लीजिए क्या पैसे लग रहे हैं और जिनको तो कमर प्रॉब्लम है कमर दर्द वाली प्रॉब्लम प्रॉब्लम के लिए आपको एक वर्ड बोलना है वजारो 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 ये रोवर्ड है सनातन धर्म में इतने सारे हमारे वैदिक चीजें हैं आप हनुमान जी की छुपाई कोई भी बोल दीजिए आपके काम होंगे होंगे हनुमान जी का चित्र अगर आप जो लोग कहते हैं ना कि कहते हैं कि हमें भाई वो करना है हमें जो है आ, नेम फेम पाना है जीवन में नेम फेम गेन चाहते हैं ना जो लोग तो वो अपने घर के साउथ में ना हनुमान एक उड़ते हुए हनुमान जी की पिक्चर लगा लीजिए जिस जिसमें उन्होंने जो है एक पर्वत उठा रखा है हनुमान जी ने तो वो पिक्चर लगा लीजिए तो उससे उनका नेम फेम गेन बढ़ना शुरू हो जाता है साउथ की डायरेक्शन में ठीक है ना तो ये नेम फेम के लिए हो गया और क्या कहते हैं कि बाकी जी सनातन धर्म में इतनी सारी चीजें हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है जैसे दुरंत देव हमें पता ही नहीं था है ना जो भी कोई दिक्कत परेशानी होती है दुरंत देव दुरंत देव वो तुरंत आके ठीक कर देते हैं अब तुरंत देव जो है अब अश्विना जी है अश्विना हमारे अश्विनी कुमार जी हैं हम दिवाली पे भी उनकी पूजा करते ये देवताओं के भगवानों के डॉक्टर है तो भाई जो उनके डॉक्टर है हमें भी यूज कर लेना चाहिए थोड़ा सा क्या बुराई है दुरंत देव भी हमारे हिंदुओं के हैं सनातन धर्म के हैं दुरंत देव जो बोलता है उसे कोई कष्ट नहीं आएगा एक्सीडेंट होने वाला है वो नहीं होगा बुरा वक्त आ रहा है वो नहीं होगा कोर्ट केस चल रहा है उसमें बोलिए बॉस परेशान कर रहा है बोलिए दुरंत देव तुरंत देव तुरंत देव, देव चुप बॉस बॉस चुप जिसको माइंड में सोच के आप तुरंत देव तुरंत देव तुरंत देव बोलेंगे वो आपके सामने चुप हो जाएगा दुश्मन सफा दुश्मन गायब कोर्ट केस गायब आपके मतलब कोई दिक्कत परेशानी कोई एक्सीडेंट नहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं आपको डर लग रहा है वो आप पे हावी हो रहा है वो आपको बुली कर रहा है वो आपको मारेगा तुरंत देव तुरंत देव बंदा ही गायब

वो नाम लिख दीजिए चिट लिख दीजिए उन बॉक्सेस को आप अपने घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आपने रख दीजिए वेस्ट में भी आपने रख दीजिए मनी वाली डायरेक्शन में भी अब मनी भी सारी दवाइयों पे जा रही है और वेस्ट में जो आपकी प्राप्ति है वो भी आपकी दवाइयों पर जा रही है सारे बीमार जो लोग कहते हैं ना कि एक बीमार बंदा खड़ा होता है दूसरा उठ जाता है दूसरा लेट जाता है तीसरा उठता है पहला वाला लेट जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर की दूर हो जाएंगी अगर आपने अपने घर की समेट ली, अगर आप किसी को जन्म पत्र दिखाते हैं तो गुरु को या उस एस्ट्रोलॉजर को बोलने दो आप अपनी समस्या मत बताओ आपको कैसे पता चलेगा उस गुरु में कुछ दम है भी कि नहीं है, कुछ आता जाता भी कि नहीं पहले के जमाने में जब आपके घर में अभी भी जब आपका बच्चा बड़ा होगा आप की वाइफ आपको फोन करके बता देगी अरे सुनो जी वो तो गाइड लेके पढ़ा रहे हैं इसको तो आप क्या होगा अरे नकली टीचर है दूसरा बुलाओ डॉक्टर के पास जाते अरे इसकी दवाई नहीं लग रही यार, बदलो डॉक्टर को हम एस्ट्रोलॉजर चुनते हो या गुरु चुनते हो, क्यों नहीं सोचते कुछ पत्री, अगर आपने अपनी पत्री गुरु के आगे रख दी या एस्ट्रोलॉजर के आगे रख दी आपने कुछ नहीं बोलना वो आपको बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है आप कैसे है, है ना आप किस लिए आए हैं आप किस लिए आए हैं आपको क्या समस्या है क्या प्रॉब्लम है बताएंगे कि नहीं आप अच्छा आप बताइए चलिए बात है कि नहीं है सही अगर आपने गुरु को पहचानना है एस्ट्रोलॉजर को पहचानना है आप कुछ मत बोलिए उनको बोलने दीजिए कि वो असली है या नकली है कि अडम्बर ही है बस सब कुछ हमारे पास कोई भी आता है हमसे जो अपॉइंटमेंट लेता है हम उन्हें बताते हैं आपको क्या समस्या है आप कैसे व्यक्तित्व के हैं इस समय आपको ये प्रॉब्लम हुई और इतने समय से आपको प्रॉब्लम चल रही है आपने यूँ फ़ोन किया है हमें आपको ये बीमारी है आपको ये समस्या मज़ा आता है सुनने में हाँ जिसके पास हमने फ़ोन किया उसने कुछ तो बताया जादू लगता है जादू लगता है, जादू लगता है और जादू गर्म है और गारंटी के साथ है और गारंटी देता हूँ उनको पंद्रह दिन में उपायों का असर होता है और कई लोग आजकल बोलने लग गए हैं कि ये इस विद्या से कुछ नहीं होता है खुद एस्ट्रोलॉजर बोलने लग गए कि हम तो सिर्फ आपको गाइड करते हैं इनसे कुछ होता बोता नहीं है हम आपको सही दिशा दिखा सकते हैं अरे किस्मत बदली जा सकती है वक्त बदला जा सकता है दम होना चाहिए गुरु में अरे गुरु में ही दम नहीं है एस्ट्रोलॉजर में दम नहीं है वो आपका क्या वक्त बदलेगा फिर वो यही बोलेगा ना कि ये ये तो आपको भोगना पड़ेगा आपकी भुगतन है अरे तू तो भोग लिया तो तेरी क्या जरूरत पड़ गई हमें मजा तो वो है कि आपके बुरे टाइम को अच्छा टाइम बनाए वो है गुरु वो है एस्ट्रोलॉजर ये मैं सबको समझाना चाहता हूं ये बातें मैं आप सबको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों समझदार बनिए आप जब तक बेवकूफ रहेंगे लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे है ना समझदार बनिए समझदार आप अवश्य ही और अवश्य ही मेरे सारे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्गों अपने बच्चों को यादत जरूर डलवाना सबसे पहले पिता को दूध में केसर डाल के पिलाना शुरू कर दे रहे बच्चे बच्चे क्या बड़े क्या मैं क्या आप क्या सबके लिए कह रहा हूं मैं पिता हमारे सूर्य चंद्रमा हमारा दूध बृहस्पति हमारा केसर तीनों टॉप के ग्रह आपके बढ़िया हो गए और पिता को जब आप केसर वाला दूध सुबह सुबह गर्मा गर्म पिलाएंगे उनकी सेहत अच्छी होगी वो आपको क्या करेंगे हा, हा, हा वो दुआएं हमारे उपाय हमारी रेमेडीज उनके आगे कुछ नहीं वो दुआएं कहीं से नहीं मिल सकती आपने क्या करना है माता के पैर दूध से धोने हैं माँ जो है वो साक्षात चंद्रमा है साक्षात चंद्रमा साक्षात कोई दो राय नहीं है इसमें किंतु परंतु भी नहीं है साक्षात जो माता होती है वो चंद्रमा का रूप होती है जैसे पिता सूर्य का रूप होते हैं आपने एक मिट्टी का कसोला लेना है वही मंगल माता के पैर दूध से धोने जब आप वो पैर दूध से धोएंगे और वो मंगल में मतलब मिट्टी के कसोले में जाएंगे वो चंद्र मंगल का जो मिलन होगा वो, हो महालक्ष्मी योग जो उठेगा मैं बता नहीं सकता हूँ और उसके साथ साथ जो माता के दिल से आत्मा से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा मैं कहता हूँ दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कोई बंधन नहीं है कोई ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सके मुझे नहीं वो वो जो है करना है आपने दूध कुत्ते को पिला देना है वेस्ट नहीं करना है किसी भी मैं कह रहा ये आनंद चमत्कार हमारे घर में ही है हम बाहर ढूंढ रहे हैं जीवन में अगर आपने अपना लग्नेश अच्छा करना है लगनेश क्या है हमारा शरीर लगनेश अगर आपने अच्छा करना है कुंडली का अगर आपके कुंडली के पहले घर में एक नंबर है तो आपका मेष लगन है मेष लगन में आप क्या करना है आपने हनुमान जी की भक्ति कीजिए हनुमान चालीसा पढ़िए आपका लग्नेश कहते हैं लग्नेश अच्छा हो जाए तो जीवन में इंसान कितनी ऊंचाई पे जाएगा कितनी पर्सनैलिटी होगी कितना सुंदर होगा कितना अच्छा व्यक्तित्व होगा बंगला गाड़ी नौकर चाकर कैसे होंगे उसकी परिवार कैसे होगा हो वो पूरी पत्रिका की पावर उसमें होती है लगनेश में मेष लगन है हनुमान जी का चलिया पढ़िए फिर दो नंबर अगर आ जाए तो वो वृषभ लगन है वो शुक्र है माँ लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए माँ लक्ष्मी को मखाने की माला बनाइए शुक्रवार के शुक्रवार और अगर तीन नंबर पहले घर में लिखा है तो वो मिथुन लगन है मिथुन लगन में आप क्या करेंगे मिथुन लगन में माँ दुर्गा जी के बत्तीस नाम ले लीजिए जय श्री राधे छोटी छोटी कन्याओं को पेंसिल शॉपलर दे दीजिए जय श्री राधे अगर चार नंबर लिखा हुआ है चार नंबर तो आपका करक लगन है करक लगन में माता के रोज पैर छुए देखिए घर का उपाय है ना लग्नेश बढ़िया पांच नंबर है तो सिंह लगन है पिता के पैर छू लीजिए सिंह लगन की बल्ले बल्ले सिंह लगन वाले नहीं जुगते बड़े गुस्सों वाले होते हैं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा तो प्यार झूले पिता के सूर्य को जल चढ़ा दे बल्ले बल्ले फ्री के उपाय अगर छह नंबर है तो कन्या लगाने तब फिर बुध आ गया बुध आ गया तो क्या करेंगे माँ दुर्गा और छोटी छोटी लड़कियों को पेंसिल शार्पनर कॉपी है ना और अगर सात नंबर आ गया तो आ गया क्या तुला लगन फिर शुक्र आ गया अब शुक्र में फिर माँ लक्ष्मी को पकड़ लो एक बार नहीं तो अपने को नहीं तो अपने को करो वो तो देखिए शादी के बाद की बातें हो जाती है ना साक्षी जी शुरू में भी चारा क्या करे गाय को पकड़ ले वृषभ लगन वाले और जो तुला लगन वाले है दो नंबर और सात नंबर वाले गाय की सेवा कर दे गाय को गाजर गाजर जिमीकंद आलू, आलू, आलू और शलगम ये चार चीज़ें ये खिलाना शुरू कर दे आठ नंबर फिर वो स्टिक लगन फिर गुस्सा जे दौम फिर वो क्या करे भाई वो क्या करे वो फिर हनुमान जी का चलिया पढ़ना शुरू कर दें जय श्री राधे खाना जी है ना घर के नहीं है उपाय ये अगर नौ नंबर आता है तो वो धनु लगन हो जाता है धनु लगन में क्या करें बताइए क्या करें आप बृहस्पति को अच्छा कीजिए माथे पे केसर या हल्दी का तिलक लगाइए या कानों के पीछे लगा दीजिए चुपके चुपके करना होता वाह वा। नंबर किसका आ जाता है शनि देव का मकर मकर में शनि देव को क्या करें भाई खड़ाऊ घर के उपाय है खड़ाऊ पहन लीजिए कौ की सेवा कर लीजिए कौ को वो गाठिया जो होता है गाठिया नहीं होता पतला पतला सी हा शनि शनि मंदिर में जाके मकर लगन वाले आप शनि शा कहीं किसी का नीचो का तो आप गाठियों का खिलाएंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है मकर लगन वालों को और फिर आता है ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर कुंभ लगन फिर वही देव वही उपाय कर ले जो बताए हैं फिर आता है मीन लगन मीन लगन वाले भाई वही दबारा केसर का तिलक हल्दी का तिलक और अंगुल बीच है या माथे पे कितना सिंपल सा लॉजिक है है ना जो घूंगे पत्रिका झिची ढिची ढिची एक 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 थी मेरे आया क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन है ये ऑडियंस का कोई नहीं था संकल्प मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ गोल्स पानते हैं न्यू ईयर बर्थडे कि अब अगले साल तो ये कर दूंगा ये कर दूंगा करते हैं यानी तो वो संकल्प को कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि वो हो जाए कल्प तो आपका ऐसे स्ट्रांग होगा जब आपका लग्नेश स्ट्रांग होगा क्योंकि जब आपकी अंदर इच्छा शक्ति और उसके लिए आप तो आजकल तो बड़े सारे तरीके हैं एक अपने लग्नेश को स्ट्रांग कीजिए संजीव जी ने आपको बताया लग्नेश स्ट्रांग होगा अगर आप आपका लग्नेश पड़ा होगा बेचारे छठे भाव में तो बार बार संकल्प करेंगे बार बार तोड़ेंगे बार बार करेंगे बार बार तोड़ेंगे क्योंकि आपके ऊपर बार बार आपके फंसने के योगी बन जाएंगे और जिनका संकल्प अगर आप लग्नेश बैठा हो दस दसवें भाव में वो तो कहगा भाई इस साल में ये दो करोड़ कमाऊंगा कर वो अगले साल पांच करोड़ कमाऊंगा कर अगले साल दस करोड़ कमाऊंगा कर तो वो उनके पूरे भी हो जाते हैं अब उसके लिए एक और भी चीज है विजन बोर्ड विजन बोर्ड अपने विजन बोर्ड को आपको अपनी कुंडली के हिसाब से कहाँ पर लगाना है बाकी ऑडियंस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपनी कुंडली दिखाकर अगर आपको बहुत एक स्पेसिफिक अपनी इच्छा पूरी करनी है तो आपको उस डायरेक्शन पे लगाना है अब जैसे मैंने तीन महीने पहले चार महीने पहले विजन लगाई थी कि मुझे फेमस होना है और वर्ल्ड ओवर फेमस होना है अब आप देखो कि फेमस हो रहे हैं ना तो ये विजन मेरी वो हुई फुलफिल हुई तो वो तीन महीने में हो रही है चार महीने में हो रही है दो महीने में हो रही है ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है और कही वो आपकी अपनी इंट्यूशन आपने किस प्रकार से वो विजन बोर्ड तैयार किया है और वै, वैसे आपको अपने घर के वेस्ट में लगा लेना चाहिए नॉर्मल अगर मेरे से पूछे कि अब इतनी सारी जनता है कहीं दिखा पाएंगे कुंडली कहीं नहीं दिखा पाएंगे तो अपने घर के वेस्ट में एक विजन बोर्ड बनाइए और उसमें अपनी इच्छाएं लिखिए और विजन बोर्ड भी नौ की कलर से बनता है तो आप एक एक कलर की प्लेन पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपने आपको क्या चाहिए आपको लम्बागनी चाहिए आपको पोर्से चाहिए आपको क्या चाहिए बैंटले चाहिए जो भी चाहिए तो हमारे कभी पीछे क्लाइंट है फॉरन की उसे चार गाड़ियां खरीदी और चार महीने में उसके पास क्या कहते कितने मिलियन डॉलर का उसने काम किया वो रियल uh, एस्टेट की कुछ एजेंट थी वो उसके पास उसने लाइन से मकान बेचे और उसे इसके पास ही लोग आए और उसको मैंने बताया था कि इतने डिग्री पे अपना विजन बोर्ड उसके कुछ की कुंडली के हिसाब से था तो बाकी सब पूरी जनता के लिए अपने वेस्ट में अपना विजन बोर्ड लगाइए और सफेद रंग का एक प्लेन पेपर लीजिए और उस बोर्ड बोर्ड बनाइए दो बाय दो का बोर्ड या वन बाय वन का बोर्ड बनाइए उसमें अपने सारे जो जो आपके विजन एक अच्छी जॉब एक अच्छा घर एक अच्छी नौकरी हो गई एक अच्छा जो है पति जो भी आपकी विजन है, जो भी, भी आपका बीवी एक अच्छा जो है पैसा जितना आप कमाना चाहते हैं तो वो कीजिए और इससे बहुत फर्क पड़ेगा और जो बातें बोल के तोड़ देते हैं उनका कॉन्फिडेंस उनमें एकाग्रपन नहीं होता जो ये हर न्यू ईयर को लेते हैं रेजोल्यूशन और उसके बाद तोड़ देते हैं थोड़े दिनों में मतलब उनका मन मजबूत नहीं है कोई? तो वो कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन उनका एकाग्रता उनके उनका उनका जो एक होता है विजन ये सारे हमारे कौ, कौन कंट्रोल करता है चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम है तो माता से चांदी की डब्बी में चावल लेके अपने पास रख लीजिए या लॉकर में रख लीजिए या कहीं पे भी रख लीजिए इससे आपका चंद्रमा जब अच्छा होगा ना तो आप में एकाग्रपन आएगा आपका दिमाग स्थिर होगा आपका मन जो चंचल है ना चंचल है अब आपने कहा मैं नहीं पीऊंगा है ना? फिर उसके बाद आप पी लेते हैं या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा और थोड़े टाइम बाद और तलब लगी पीले भाई पीले पीले होता है ना ऐसे तो ये क्या क्या है कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर कंट्रोल कैसे आएगा चंद्रमा से क्या होता है चंद्रमा हमारे दिमाग को खट 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 ऐसे न चाहता है क्योंकि बड़ा फास्ट अब तो नहीं बेचारे को सैटेलाइट बोल दिया गया है चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में तो वो उन्हें दो दिन में घूम अगली राशि में दो दिन ही लगा दीजिए मूव कर जाता है आगे चंद्रमा का क्या रोल है हमारे जीवन में कि हमारा जो अर्थ है वो दो तरीके से घूमता है एक तरीका तो वो सन के यू घूमता है ये सन सेंटर में है और इसके आसपास घूम रहा है ठीक है जी ये अर्थ हमारा घूम रहा है ना मून क्या करता है उसको मून उसको यूं ही घुमाता है ऐसे ऐसे जो चौबीस घंटे का दिन होता है वो मून से होता है जो साल होता है वो सन से होता है जो मून है ना वो उसको ही रोटेट करवा रहा है अगर ये यू 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 रोटेट होगा तो यहां पे तबाही आ जाएगी तो मून कंट्रोल कर रहे हैं ना तो अगर सन का कुछ पार्ट है तो मून का भी बहुत बड़ा पार्ट है अर्थ को बचाने में और मून से हमारे यहाँ पे ज्वार बांटा आता है ना जब मून की वजह से मून की ग्रेविटी की वजह से मून की पावर की वजह से पूरे का पूरा सी उठ के बाहर आने को हो जाता है वाटर लेवल बढ़ जाता है तो हमारी तो खाती हमारे ब्लड को वो उठा नहीं बिठा नहीं सकता है ये डिप्रेशन एंड एग्जाइटी ये मून से ही तो होती है सारी ये साइंटिफिक रीजन है अगर हम साइंस और इसको क्लब करें आज थोड़ा सा अगर आप मेरी थोड़े क्योंकि लोग ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं माफी चाहूंगा सबसे माफी मांगता हूँ आपसे भी ये बातें सुनना नहीं चाहते हैं लोग हमारा सनातन धर्म हमारा ये ज्योतिष का ज्ञान हजारों साल पुराना है नासा आज तक अब जाके नासा को पता चला है हमारे कितने प्लेनेट्स हैं किस रंग के सबसे पहले सन है सन को हमने ऑरेंज का ठीक है वो हमें दिखता है पक्का उसके बाद शुक्र दिखा मरक, मर, मरकरी दिखा हमें हमें कभी बार दिखता है नंगी आंखों से नहीं नंगी आंखों से तो नहीं दिखता ना मून दिखता है ना तो हमारे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कैसे बता दिया कि मून से पहले शुक्र भी है वीनस भी है और मरकरी भी है और मरकरी जो बुध है वो ग्रीन कलर का है वो पारा है जो साइंस ने इतने सालों बाद बताया अब जाके कुछ पचास साल सौ साल है ना? हम पांच हजार साल पहले बता दिया चलो चांद दिख रहा है ये दिख रहा है हमने बता दिया सन के बाद मरकरी है फिर वीनस है फिर अर्थ है हम थर्ड प्लेनेट है ये हमें कैसे पता चल गया पांच हजार साल पहले चलिए यहाँ तक भी मैं मान गया आपने कहा दिख गया चलिए हमें दिख गया वैसे दिखा नहीं अच्छा फिर हमें कैसे पता चल गया मार्स जो है वो ऑरेंज है लाल है मंगल ग्रह क्या है हमें कैसे वहां तो दिखता भी नहीं है और पहुंचा सिर्फ मतलब रॉबर्ट पहुंचा इंसान तो पहुंचा ही नहीं अब बताइए आप और हमारे हमारे जो विशेषज्ञ थे हमारे जो साइंटिस्ट थे हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने मंगल नहीं बता दिया प्लानट नहीं बता दिया मंगल फिर जुपिटर नहीं बता दिया पीले रंग का है जुपिटर नहीं बता दिया गैसेज है ऑक्सीजन है इतनी दूर और सेटन को कैसे हम बोल सकते हैं जो काला है है क्या नहीं है ये साइंस है ना सेटन काला है सबको पता है अब पता है ना पहले किसको पता था और बृहस्पति पीला है किसको पता था पहले नहीं पता था ना हमारे ऋषि मुनियों ने बताया ना और ओजोन लेयर राहु केतु मान गए पैरा बैंगनी किरने राहु वायलट कलर बोला है ना राहु को बोला है ना नीला उन्हें के, राहु केतु भी पता थे उन्हें वायलेट किरने जो होती हैं है ना तो ये साइंस नहीं है तो क्या है हमारी आप खुद सोचिए शुरू में ही हमने बता दिया था किसने हमारे जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान लगा के कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे आज तक हमें तो अपनी गैलेक्सी तो पूरी हमने देखी नहीं हमारे तो ऋषि मुनि एक गैलेक्सी का ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते थे कैसे बताऊं ध्यान लगा लगा के ध्यान लगा के और उन्हें उन्हें कैसे पता था कि ब्लैक होल भी है जीरो का ज्ञान किसने दिया हिंदुस्तान ने ऋषि मुनियों ने दिया ना हमारे गुरुकुल में पढ़ाते थे ना मैथ्स जीरो वहीं से आया ना जीरो कहाँ से आया ब्लैक होल से ब्लैक होल का साउंड क्या है आपको पता है नहीं पता होगा ओ आज नासा ने बताया है जो हमारे मुनि क्या साउंड देते थे ओम बोलते हैं ना ओम शब्द हमने किसको दिया शिवजी जी को शिवजी जी क्या है अकाल अनंत मृत्यु के देवता और ब्लैक होल क्या है ब्लैक होल में जो चीज चली जाती है उसका पता ही नहीं चलता उसका क्या हुआ ब्लैक होल में साइंटिस्ट ने भी बताया उसके अंदर कोई भी चीज जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा उसका वो कहाँ चलेगी वो कुछ कहीं रहेगी नहीं वो और मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है पता चलता है सब बातें मनगढ़ंत बातें भूत आया प्रेत आया हमने बात करी यहाँ बात करी सब है बकवास है किसी को नहीं तो हमारे ऋषि मुनियों ने महाकाल को शिव को शमशान का स्वामी बनाया है ना देखिए ना मूर्ति हमेशा उसके पीछे कुछ नहीं है मृत्यु के बाद कुछ नहीं है और उनको क्या साउंड दिया ओ... ब्रह्मांड में गैलेक्सी में ब्लैक होल का क्या काम है सारे तारों को निकलना सारे प्लैनेट्स को निकलना मतलब इस गैलेक्सी में मृत्यु कौन है ब्लैक होल है जैसे इंसानों में मृत्यु शिव का नाम दिया महाकाल का नाम और ब्लैक होल का साउंड भी क्या है वो शिव के लिए भी क्या बोलते हैं हमारी साइंस तक खत्म कर दी हमारी साइंस खत्म ने तो नबूद कर दी ये तो मैं भी बोलता हूँ साइंस जितना मैं जान रहा हूँ इस फील्ड के अंदर तो उतना ज्यादा मुझे लग रहा है सब कुछ साइंटिफिक है और सब कुछ ही है भगवान भी लॉजिक है हर चीज लॉजिक बस ट्रेवल नहीं हो पाया सही तरीके से और जैसे आपने बोला कि किसी बात को समझाने के लिए कहा गया पीपल के पेड़ पे भूत है तो ऐसी बहुत सारी चीजें डिल्यूट होती हुई सदियों से आ गई जिसके चक्कर में फिर मेरे जैसे साइंटिफिक लॉजिकल लोग थे वो कहते हैं तो झूठ है पर उसके पीछे पास आपके ग्रह डिस्टर्ब होंगे तभी आपको भूत प्रेत लगेंगे आपका ग्रह स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको कोई भूत प्रेत किसी चीज से डरने लगेगा आपके प्लैनेट्स वीक हैं तभी तो आपके ऊपर भूत प्रेत का साया है तभी तो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है अगर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में हो तो आपको क्या करना है अपने घर के आपने जो भी आप सरफ से पोछा लगाते हैं उसमें सेंधा नमक डालते हैं या कुछ भी पोछा लगाते हैं प्लेन वाटर से भी आप पोछा लगाते हैं प्लेन वाटर ले लीजिए प्लेन वाटर में आधा ढक्कन आप विनेगर डाल लीजिए वाइट विनेगर और उसके बाद सारा क्लीन अप करवा दीजिए आपके घर की एक एक नेगेटिविटी कोने कोने की निकल जाएगी निकल जाएगी विनेगर में क्या होती है क्लीनलीनेस की प्रॉपर्टीज होती है उसको आप डालेंगे जैसे कहते हैं कोक को आप टॉयलेट क्लीनर टॉयलेट क्लीनर बोला गया है है ना तो ऐसे विनेगर को आप डालेंगे प्लेन वाटर में उसके साथ कुछ नहीं मिलाना आपने सिर्फ आधा डक्कन विनेगर डालना है पूरे घर को क्लीन कर देना है और उसके बाद आपके घर की नेगेटिविटी दूर होनी चली जाएगी बड़े से बड़ा वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा जब जब हमारी ग्रह दशाएं बदलती हैं तब तब हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और हम जब कुंडली देखते हैं उनके ग्रहों को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देते हैं कि उनका वास्तु दोष जो होता है वो बैलेंस हो जाता है और कुंडली से ही वास्तु लिंग है कुंडली से ही वास्तु लिंग है इसलिए हम उसकी एस्ट्रो वास्तु भी करते हैं तो मेरा अगर आप देखोगे ऑफिस की जो एंट्री है मतलब साढ़े बारह डिग्री की एक एंट्री है

यही बताएंगे घर कैसा मिलेगा साउथ फेसिंग अगर नहीं लेना अब तो गुछो ये जाना तो मैप करके खुद जब चेक किया मैं हिल गया मेरी वाइफ को तो तो, आ, भी बोल रहा मगर यार उसको ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं साइंस प्लस इस दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं क्या साढ़े बारह डिग्री दोनों जगह पे मैच होना है मतलब इम्पॉसिबल वाली चीज है तो हमारे जो पैंतालीस देवता होते हैं ना उसमें से आठ देवता हमें पैसे देने के लिए बैठे होते हैं और कौन से देवता को किस प्रकार आपको कौन सा भोग लगाकर एक्टिवेट करना है हम ये इस वास्तु पे काम करते हैं मॉल में आपके नाग देवता काम करते हैं अब नाग देवता है वो आपके क्या कहते हैं कि आप घर में रोग देवता आपके जगह जगे हुए हैं तभी तो रोग आ रहे हैं आपके घर में उस रोग देवता को लगा के उसको साइड करो वो देवता शान आप एक बंदा कहता है उसमें थर्टी वैसे तो कॉम्बिनेशन देख कर लगेंगे तो अच्छा रहेगा थर्टी सेवन नंबर का कंपाउंड या फोर्टी नंबर वन नंबर का कंपाउंड में कहती हूँ गरीब से गरीब रोडपति भी करोड़पति बन सकता है इस कॉम्बिनेशन को लेके जो मैंने आपको जो हम अपने क्लाइंट्स को फीडबैक देते हैं उसके अंदर एक मैंने आपको बता दें थर्टी सेवन या फोर्टी वन का कंपाउंड so, यानी सारे नंबर को टोटल कर लो फोर्टी वन नंबर ले लो बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा न्यूमोलॉजी में यहाँ पे आया थी कि आपका वो कंपाउंड जो है वो आपके उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर न्यूमोलॉजी हल्की सी आपको देखनी पड़ेगी इसीलिए जो है ना अगर आपके ये सूटेबल हैं अगर आपके जो ड्राइवर लाइफ पाथ नंबर डेस्टिनी नंबर से सूटेबल है तो ले लो देखो क्या मजे आते हैं आपने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए सारी चीजें कवर कर दी आपने बोलने नहीं दिया सही बोला <laughs> तो, <laughs> <around> तो सबसे पहले थैंक यू बहुत मजा आया बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत सारे मैं कहूंगा रेमिडीज हमको पता लगी और जितने क्वेश्चन थे जितने भी हमारे पास आए थे इनफेक्ट उनसे ज्यादा आंसर आपने दे दिए जो क्वेश्चन नहीं भी आए थे उसके भी आंसर मिल गए सही बात तो तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है हूँ आपको मजा आएगा लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी बाय गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं जय हिंद बंदे मातरम इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे, दे दिए और टैग भी कर दिए